बच्चों, मैं मैंगराज। आज मैं आप लोगों को क्लास वन का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर टू देखेंगे। तो चैप्टर टू हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स। इसका हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर वन का असाइनमेंट डिस्कशन करवाया था और बुक मैंने पहले इसका कम्प्लीट करवा दिया था। तो आज हम लोग चैप्टर टू देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना नोटबुक निकाल लें, क्वेश्चन को एक साइड रखें, और जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है। तो असाइनमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट टू में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, उसका हम लोग क्या आंसर लिखेंगे। द सिंबल ऑफ द नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। दी सिंबल ऑफ द नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। व्हाट इज न्यूमरल जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसका आंसर हमारा द सिंबल ऑफ द नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज न्यूमरल नेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज न्यूमरल नेम। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज न्यूमरल नेम। तो न्यूमरल नेम हमारा क्या होता है, द नंबर रिटन इन वर्ड्स इज कॉल्ड द नंबर नेम। द नंबर रिटन इन वर्ड्स इज कॉल्ड द नंबर नेम, मतलब वैसा संख्या जो कि वर्ड में लिखा हो उसको हम लोग नंबर नेम कहते हैं। जैसे क्या, वन। तो अगर वन हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरल नेम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग न्यूमरल में लिखेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ओ एन ई, न्यूमरल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूमरल नेम। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर से हम लोग समझते क्या है, बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर क्या होगा, द ऑर्डरिंग ऑफ नंबर नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। द ऑर्डरिंग ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। मतलब उस जब हम लोग किसी संख्या को छोटे संख्या से बड़े संख्या में हम लोग लिखते हैं, उसके छोटे संख्या से बड़े संख्या के क्रम में लिखते हैं तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जब भी बोला जाएगा लिखने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा सा नंबर लेते हैं, फिर उसे बड़ा सा नंबर लेते हैं। जैसे कि घर सीढ़ी हो गया, तो सीढ़ी हम लोग को चढ़ना, अगर हम लोग को पहली मंजिल पे जाना होता है तो हम लोग कैसे जाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसी उससे बड़ा सीढ़ी पर पैर रखते हैं और धीरे धीरे करके हम ऊपर आते हैं। तो हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर पे हमारा कहा कह रहा था डिसेंड, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स इन डिक्रीजिंग वैल्यू फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम से हम लोग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी संख्या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी संख्या को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उसे छोटी संख्या को हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे कि हम लोग सीढ़ी देखते हैं, तो सीढ़ी पे क्या होता है कि जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब सीढ़ी से हम लोग नीचे की ओर उतरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि सीढ़ी हुआ, तो सीढ़ी की संख्या हमारा कितनी है, 10 हो गई, ठीक है। तो हम लोग को उतरना है ना, तो उतरेंगे तो हम लोग कैसे सीढ़ी से उतरेंगे, सबसे पहले 10वां सीढ़ी पर हम लोग पैर रखते हैं, फिर 9th पे पैर रखेंगे, फिर 8th पे, फिर 7th पे, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट हम लोग कहां पे आते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है राइट द न्यूमरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए में क्या लिखा हुआ, ओ एन ई मतलब 1, O N E मतलब होता है 1। तो 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। फिर B नंबर F O U R 4, 4 मतलब क्या होता है, 4। तो 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं 4। फिर T H I R T Y मतलब 30, F I V E मतलब 5। तो इसको पूरा मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, 35। तो 35 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे,
थ्री और फाइव, ये हमारा क्या होता है 35। उसके बाद 100, तो 100 मतलब 100, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 100 को 100, ये हमारा क्या बनाता है 100। उसके बाद है हमारा लास्ट में ई नंबर में 8, तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसके साथ ही हमारा पांचवा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कंपेयर एंड यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन स्मॉल लेस देन एंड इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना हो कि ग्रेटर देन का सिंबल हमारा कैसा होता है। तो जब भी इस टाइप का सिंबल हमें मिले तो इस सिंबल से हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए ये हमारा ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर इस टाइप का सिंबल मिलेगा तो ये हमारा लेस देन के लिए होता है, अगर इक्वल टू रहेगा तो हमारा बराबर के लिए। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ए नंबर में क्या है, 8 है 7 है, इसमें से बड़ा कौन सा होगा। अगर 8 नंबर 8 का फर्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए इसमें हमारा ग्रेटर कौन सा होगा, तो 8 है, तो कौन सा सिंबल का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसका इसका या इसका। तो ग्रेटर देन का हमारा ये सिंबल, ये हमारा यूज हो गया। तो 8 इज ग्रेटर देन 7, मतलब 8 जो हुआ 7 से हमारा बड़ा है। 9 और 1, इसमें बड़ा कौन होगा, तो 9, इसलिए हम सिंबल यूज करेंगे। अगर हमारा मन करता कि लेस देन को दिखाने के लिए 9 और 1 ये, तो हम लोग किसका सिंबल, किस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का। ये हमारा क्या दिखाता है कि 1 जो है वह हमारा छोटा है और 9 जो है वह हमारा बड़ा सिंबल है। 6 और 9 इसमें बड़ा कौन है, 6 और 9 में, तो 9 हमारा बड़ा है, इस टाइप का हम दे देंगे। 9 और 9 दोनों इक्वल हो गया, इक्वल टू हो गया। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारा गलती क्या है, इसमें मैंने गलत किया है, तो क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे जो सिंबल का जो यूज होगा वो हमारा इस टाइप का सिंबल यूज होगा, ग्रेटर देन का, क्योंकि ये सिंबल हमारा दर्शा देता है कि 9 जो है वह हमारा 1 से बड़ा है और 1 जो है वह हमारा 9 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, 3 और 4, 3 और 4 बड़ा कौन है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये हमारा इस टाइप का सिंबल हो गया। 6 और 7, तो 7 के टाइप में हम लोग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट जस्ट कम्स आफ्टर, मतलब कि ठीक इसके बाद हमारा क्या आएगा। 6 है तो 6 के बाद हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, फिर 7 के बाद 8 आता है, फिर 9 आता है। तो लेकिन यहां पे करना क्या है, इसके जस्ट बाद मतलब इसके तुरंत बाद हमारा कौन सा नंबर आता है उसको हम लोग को लिखना है। तो 6 के बाद हमारा कौन सा आता है, 7 आता है, फिर 9 हो गया, तो 9 के तुरंत बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 10, फिर 8 है, 8 के बाद जस्ट बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 9, 4 के बाद, 4 के तुरंत बाद, तो 5। तो जस्ट आफ्टर जब भी कहा जाए मतलब उसके तुरंत बाद में, तो वहां पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके जो भी नंबर है उसके बाद में हमारा कौन सा नंबर आता है उसको हम लोग को यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पे कौन आता, 7 आता, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, मतलब कि इस संख्या से ठीक पहले कौन सा संख्या होगा, 3 है, तो 3 से पहले हमारा कौन सा संख्या आएगा, 3 से तुरंत पहले, तो 2 आएगा, 3 से पहले 2 होता है, फिर 2 से पहले 1 होगा, फिर 4 है, 4 से पहले हमारा कौन सा आएगा, 3 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा, 9 से पहले, 9 से ठीक पहले कौन सा संख्या आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग किस संख्या को लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हम लोग सबसे पहले किस संख्या को लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 2, 7, 6, 1, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को सबसे छोटी संख्या को लेना है।
इसमें से सबसे छोटा छोटी संख्या हमारे कौन सी होगी? वन। ये चारों पांचों में से हमारा सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे पहले वन आता है, वन को लिखेंगे, फिर कॉमा, उसके उसके बाद वन से बड़ा कौन सा होगा? इसमें कौन सा हमारा टू है, फिर टू से बड़ा संख्या हमारा कौन सा आएगा? टू से ठीक बड़ा कौन सा संख्या होगा? तो सिक्स हो जाएगा, फिर सिक्स से बड़ी संख्या सेवन, फिर नाइन। तो ये इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर बी में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम लोग को देखना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा कौन सा होगा? थ्री, फिर इससे बड़ी संख्या फोर, फिर इससे बड़ी संख्या फाइव, फिर इससे बड़ी संख्या एट, फिर इससे बड़ी संख्या नाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, तो सी में सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? फोर, उसके बाद उससे बड़ी संख्या फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा कितना संख्या है? फोर, थ्री, टू, वन, फाइव। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग को देखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर है, तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, तो वन, उसके बाद उससे बड़ी संख्या टू, फिर उससे बड़ी संख्या थ्री, फिर उससे बड़ी संख्या फोर, फिर हमारा क्या बचा? फाइव। तो ये हमारा क्या था? असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या को। तो यहाँ पे कितनी टोटल कितनी संख्या हमारा? चार है, 1, 9, 6, 5। तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वन होगा, नाइन होगा, सिक्स होगा या फाइव होगा, कौन होगा इसमें? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारा क्या है? नाइन है, सबसे बड़ी संख्या नाइन है। उसके बाद सिक्स, उसके बाद फाइव, फिर वन। मतलब सबसे पहले लोग बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को देखेंगे, फिर छोटी संख्या को। तो ये हमारा इससे हम लोग क्या लिखते हैं? इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 3, 1, 8, 7। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन सा है? एट है, उसके बाद सेवन, एट से छोटा क्या होगा? सेवन होगा, सेवन से छोटा क्या होता है? सिक्स होता है। तो यहाँ पे सिक्स है? नहीं है। फिर फाइव आएगा, तो यहाँ पे फाइव है? नहीं है। फोर नहीं है, थ्री है, यहाँ पे हम लोग थ्री लिखेंगे। फिर अगर टू को हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पे टू मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लास्ट हमारा क्या बच रहा है? वन, इसलिए हम लोग यहाँ पे वन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, तो सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे यहाँ पे क्या है? नाइन है। उसके बाद उससे छोटी संख्या सेवन, फिर सिक्स, फिर तो ये तो ऊपर उतर गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया होगा? नाइन है, सेवन है, फिर सिक्स है, फिर थ्री है। हम लोग को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना होता है। लास्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4। ये इसका हम लोग को क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ी संख्या हमारा क्या है यहाँ पे? फोर है, फोर है, फिर थ्री, फिर टू, उसके बाद वन। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है? मैच एंड राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू। मतलब कि क्या करना है? इसको हम लोग को मैच करना और लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ए नंबर देखते हैं। तो ए में हमारा क्या है? दो डायग्राम है, ए में हमारा दो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है कि इसमें क्या है। पहले डायग्राम में कितना है, कितना फिगर दिया हुआ? 1, 2, 3, 4, फोर स्टार्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फोर लिख देंगे, यहाँ पे फोर लिखे, क्योंकि ये हमारा क्या है? फोर है। ये क्या था? 1, 2, 3, 4, चार नंबर ही है ना, इसलिए यहाँ पे फोर हो गया। फिर यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? थ्री। ये था वन, ये टू, ये थ्री। अब क्या करना है कि हम लोग को सिंबल का यूज करना है।
तो इसमें हम लोग कौन सा सिंबल देंगे, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, लेस या इक्वल? तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा 3 से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार से बी नंबर, दो बॉक्स है, दो बॉक्स में हमारे कितना ऑब्जेक्ट है, कितना चीज रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए, अंदर कितना है 1, 2, 3, 4, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे 4। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये भी हमारा क्या है 4 है, 4 और 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, इसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू का सिंबल, क्योंकि 4 और 4 बराबर है। फिर सी नंबर, दो बॉक्स है, पहले फर्स्ट बॉक्स में कितना ऑब्जेक्ट है हमारा 1, 2, 3, कितना है 1, 2, 3, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3। फिर सेकेंड बॉक्स में कितना है हमारा 1 और 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2। फिर अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंबल का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिंबल देंगे, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू, 3 और 2 में 3 क्या हमारा बड़ा है किससे, 2 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंबल के यूज किए ग्रेटर देन का। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस दो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 1। सेकेंड बॉक्स में हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों के बीच में, तो 4 जो है वो हमारा किससे बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा सिंबल देंगे, इस टाइप का, ये हमारे क्या दिखा देगा कि 4 जो है वो हमारा 1 से बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स बाय गिवन नंबर, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में सर्कल करना है जो कि नंबर हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 2 बैलेंस, मतलब 2 बैलेंस, तो इस बॉक्स में हमारा कितना है, कितना बैलेंस है 3 बैलेंस है, इसमें हम लोग सिर्फ 2 बैलेंस को क्या करना है, सर्कल करना है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ये तो ये हमारा क्या दर्शा है कि 2 बैलेंस को हम लोग सर्कल किए। फिर नेक्स्ट में 6 बॉल्स, मतलब बास्केट इसके अंदर में बॉल्स रखे हुए, तो टोटल बॉल्स हमारा बहुत सारा है, इसमें हम लोग को कितना बॉल्स करना है सर्कल, सिर्फ 6 बॉल्स को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा 6 मिला, तो इसको हम लोग सर्कल कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाया कि हमारे पास 6 बॉल्स है, तो सर्कल करने का मतलब हो गया 6 बॉल्स को हम लोग हाईलाइट कर दिए क्वेश्चन के आधार पे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा वर्ड मीनिंग, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपका असाइनमेंट 2 भी समाप्त होता है।